नमस्ते, आई एम डॉक्टर निकिता, आयुर्वेदा एंड वेलबींग प्रैक्टिशनर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन सीरीज में हैं। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ट कुकिंग ऑयल्स एज पर आयुर्वेदा। सो पहले तो समझ लेते हैं व्हाट इज आयुर्वेदा सी अबाउट ऑयल्स, जिसे हम स्नेहा कहते हैं। तो स्नेहा हमारे शरीर के पोषण और पचन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें जो है दो प्रकार के स्नेहा के टाइप्स कहे गए हैं, वो है जांगम यानी कि एनिमल सोर्स वाला और स्थावर यानी कि प्लांट सोर्स वाला। जब हम ये दो सोर्सेज देखते हैं तो इसमें बेस्ट टाइप ऑफ सोर्स व्हेन इट कम्स टू एनिमल बेस्ड सोर्स इज घी ऑफ काउ। काउज घी यानी कि गो घृत, ये सबसे बेस्ट कहा गया है, क्योंकि इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी ये है कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये कूलिंग है, एट द सेम टाइम डाइजेस्टिव है, और इसके अंदर जब भी हम स्पाइसेस डालते हैं या किसी भी प्रकार के इवन हर्ब्स डालते हैं आयुर्वेद के, तो इसके प्रॉपर्टीज खुद के कभी चेंज नहीं होते। इनफैक्ट इसके अंदर जो चीज़ हम डालते हैं उसकी प्रॉपर्टीज एड ऑन हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है घी के लिए, और इसीलिए कुकिंग के लिए भी घी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं बेस्ट टाइप्स ऑफ प्लांट सोर्स फॉर कुकिंग। तो उसमें आता है सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल। अब तिल का तेल जो है, इसके भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज ये है कि ये वातघ्न है, यानी कि किसी भी टाइप का जो ड्राइनेस होता है उसको ये बैलेंस करता है। और इसकी अगर एक क्वालिटी देखेंगे तो ये एक स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टी है इसमें। इसीलिए हम कोई भी अगर जब इसमें हर्ब्स या कोई भी हम स्पाइसेस डालते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज इस ऑयल्स में आ जाते हैं, यानी कि सेसमी ऑयल में आ जाते हैं, और खुद की फिर प्रॉपर्टीज उसके बैलेंस आउट होते हैं। तो ये एक अलग प्रॉपर्टी है विद सेसमी ऑयल। इसीलिए हम अलग अलग जब ऑयल्स इवन फॉर बॉडी पर्पसेस जब यूज़ करते हैं उसमें सेसमी ऑयल का हमेशा इसीलिए एक यूज़ किया गया है। इस ऑयल के टाइप्स में और भी ऑयल्स जो अच्छे हैं प्लांट सोर्स के, वो है मस्टर्ड यानी कि जो है हमारा सरसों का तेल। फिर उसके बाद आता है पीनट यानी कि शेंगदाना या मूंगफली का जो ऑयल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल यानी कि जो नारियल का तेल होता है। और फिर आता है आमंड ऑयल, फ्लैक्स ऑयल। तो ये सारे जो अलग अलग प्रकार के ऑयल्स मेंशन किए गए हैं। तो अब समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, यानी कि ऑयल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऑयल्स एक है टाइप रिफाइंड ऑयल, फिर उसके बाद एक टाइप है हीट प्रोसेस्ड ऑयल, और एक टाइप आता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अब इसमें हमारे शरीर के लिए अगर आप पूछेंगे तो सबसे अच्छा टाइप ऑफ ऑयल है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस यानी कि कच्चे घनी का वुडन मिल्स जो होती है उसमें ये कोल्ड प्रेस्ड यानी कि क्रश करके इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। इसके बेनिफिट्स ये है कि इसमें किसी भी एक्सटर्नल टाइप का हीट ऐड नहीं होता है। इसके लिए जो भी चीज़ का ऑयल है, फॉर एग्जांपल जैसे पीनट ऑयल मतलब ग्राउंड नट्स, तो इसके जो भी गुणधर्म है वो चेंज नहीं होते हैं, उसके आपके पूरे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, और इसमें कोई अडल्ट्रेशन या एडिशनल प्रोसेसिंग नहीं होती है जैसे कि रिफाइंड ऑयल में फिल्ट्रेशन और रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कोल्ड प्रेस ऑयल्स ही यूज़ कीजिए। दूसरा जो मैंने टाइप बताया था हीट प्रोसेस, तो हीट प्रोसेस में भी जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ होती है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मतलब आयुर्वेदिक तौर से हम इसे वीर्य कहते हैं, तो जब भी कोई चीज़ को एक्सटर्नली हीट किया जाता है तो उसके प्रॉपर्टीज़ हमेशा चेंज होते हैं, तो इसीलिए वो भी अच्छा नहीं है। बेस्ट टाइप ऑफ ऑयल है कोल्ड प्रोसेस यानी कि वुडन मिल्स एक्सट्रैक्टेड। तो एक
अच्छी बात ये भी होती है जब आप ये ऑयल खरीदते हैं, आप एक लोकल बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस यानी कि हमारे भारतीय स्वदेशी प्रैक्टिसेस को भी आप प्रमोट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए आप हमेशा कोल्ड प्रेस ऑयल्स ही लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल्स, डिफरेंट ऑयल्स फॉर कुकिंग। तो जो है पहले घी, घी की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि इट इज पित्त घना यानी कि पित्त दोष को ये नलिफाई करता है। फिर उसके बाद आता है सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल की प्रॉपर्टी ये है कि ये वात दोष और कफ दोष दोनों को बैलेंस करता है, तो ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ये थोड़ा हीटी होता है, और अगर घी को देखेंगे तो वो कूलिंग इन प्रॉपर्टी होता है। फिर आते हैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल की तरफ, ये भी वात और कफ घना यानी कि वात और कफ दोष को ये बैलेंस करता है, लेकिन ये भी थोड़ा हीटी होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम हमारे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है ये पित्त घना है यानी कि ये कूलिंग इन प्रॉपर्टी है, पित्त दोष को नलिफाई करता है। और फिर हम एक बार डिस्कस करते हैं पीनट ऑयल। पीनट ऑयल जो है यानी कि शेंगदाना या मूंगफली का ऑयल, ये भी वात और कफ घना है यानी कि वात दोष और कफ दोष को कम करता है, लेकिन ये थोड़ा पित्त कारक यानी कि हीटी भी है। फिर फाइनली हम आते हैं आमंड ऑयल और फ्लैक्स ऑयल्स की तरफ। तो ये कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जिसको हम ज्यादा हीट नहीं कर सकते, इसे हम सैलड्स या फिर अगर ड्रेसिंग के तौर पर यूज करना चाहते हैं तो हम इसे यूज कर सकते हैं। आमंड ऑयल काफी नरिशिंग है, अगेन ये भी एक हम त्रिदोषक प्रकार से भी इसे देख सकते हैं, लेकिन ये वात और कफों को तो डेफिनेटली बैलेंस करता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑयल के बारे में। अगर आप गुड क्वालिटी ऑयल ले रहे हैं तो आपको लो क्वांटिटी यानी कि कम अमाउंट में यूज करने में लगेगा, तो ये ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आता है कि डीप फ्राइंग करते वक्त आप जो भी ऑयल आपका बचता है उसको रीयूज मत कीजिए, क्योंकि इसको जो बार बार यूज करने का चेन होता है उसमें सारे टॉक्सिन्स क्रिएट होकर वो ऑयल डिटीरियोरेट हो जाता है और उसको हेल्थ बेनिफिट्स तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शैलो फ्राई अगर करना हो तो वो बेटर ऑप्शन होगा, डीप फ्राई तो अवॉइड कीजिए, अदरवाइज रीयूज मत कीजिए। फिर आता है हमारा कौन सा ये लेना है डीप फ्राई या किसी भी प्रकार के फ्राइंग के लिए या कुकिंग के लिए जनरली, तो घी जो है बेस्ट होता है जैसे मैंने कहा पहले भी, और काउस घी जो है ये सबसे बेस्ट होगा। दूसरा जो घी आता है बफेलो का जो घी होता है वो रिकमेंडेड नहीं है उतना, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए थोड़ा हैवी होता है। तो जैसे हम जानते हैं काउस के जो एक प्रॉपर्टीज होते हैं वो प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, जैसे कूलिंग है, डाइजेस्टिव है, उसी प्रकार से बफेलो घी के प्रॉपर्टीज अलग है, तो इसीलिए वो उतना रिकमेंडेड नहीं है। अब समझ लेते हैं कि स्मोकिंग पॉइंट के अनुसार कैसे ऑयल्स का सिलेक्शन करना है। तो कुछ ऑयल्स है जो आप डीप फ्राइंग या तड़का इसके लिए जो यूज कर सकते हैं वो है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, फिर उसके बाद पीनट ऑयल यानी हमारा मूंगफली या शेंगदाना ऑयल, और फिर आता है हमारा घी। तो इस सब के जो है स्मोकिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई है, इसीलिए ये ऑयल्स ही आप यूज़ कीजिए जब आप किसी भी प्रकार की फ्राइंग या तड़का दे रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रही है और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर निकिता शेरे YouTube चैनल का नाम है, और यहाँ हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं हेल्थ और वेलनेस रिलेटेड। आगे हम बढ़ते हैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमें बहुत मतलब मुझे पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल हम काफ़ी ग्लोबल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो कुछ ऑयल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ये ऑयल्स हैं ऑलिव ऑयल, फिर उसके बाद है एवोकाडो ऑयल और फिर कैनोला ऑयल, तो ये प्रसिद्ध है ग्लोबली। पूछते हैं लोग कि इज़ दिस ऑयल गुड
फॉर अवर हेल्थ, ये सच में हेल्दी है क्या? तो मैं, अगर आप मुझे पूछेंगे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के तौर पे, ये कहना चाहूँगी कि ये ऑयल्स शायद हो भी सकते हैं हेल्दी, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जो सबसे बेस्ट सूटेड ऑयल है हमारे शरीर के लिए वो है एक तो घी, यानी कि जो है गोघृत यानी काउस घी ऑयल में अगर आप देखेंगे तो फिर सेसमी ऑयल कहा गया है बेस्ट सूटेड। तो ये दो चीज़ें जो है, एक तो ये लोकल है, हमारे बुजुर्ग फोर फादर्स भी इसे खाते आ रहे हैं, तो हमें ये पता है कि ये हमारे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को सूट होगा और ये खाकर ही उन्होंने इतने लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ वो जी चुके हैं और जी रहे हैं, तो ये हम जानते हैं। तो इसी हिसाब से हमें अगर कुछ चॉइस करनी है तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये मैं हमेशा कहूँगी आप ध्यान में रखिए ऑयल्स को चूज करते वक्त। तो एक एक ऑयल के बारे में अब बात करते हैं। स्पीकिंग ऑफ ऑलिव ऑयल, अब ऑलिव ऑयल तो बहुत प्रसिद्ध है, तो ये सच में क्या हमारे लिए अच्छा है? तो मुझे ये कुछ आपको चीज़ें बतानी है। पहली बात तो ये लोकल नहीं है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, और दूसरा मतलब थर्ड एंड द मोस्ट फाइनल पॉइंट इज कि ये एडल्टरेटेड भी हो सकता है, क्योंकि कैसा है कि हम इसके बारे में पूरी कंट्रोल नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये इम्पोर्ट होके आता है। तो ये कुछ फैक्टर्स आप ध्यान में रखिए अगर आप ऑलिव ऑयल के बारे में ले रहे हैं। अगर आपको ऑलिव ऑयल टेस्ट के लिए पसंद है, या कुकिंग, इटालियन कुकिंग, या आपको स्पेसिफिक कुकिंग टाइप, मेडिटेरियन कुकिंग टाइप करना है, तो फिर आप ले सकते हैं ओकेजनली, लेकिन रेगुलरली अगर आप बोलेंगे तो इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये हमारे इंडियन कुकिंग में शायद उतना ब्लेंड भी नहीं होगा और उसके आपको हेल्थ बेनिफिट्स उतने शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्मोकिंग पॉइंट की भी एक इम्पॉर्टेंट बात आती है। मूविंग ऑन टू एवोकाडो ऑयल, अभी एवोकाडो ऑयल भी काफ़ी बोलते हैं हेल्दी है। तो पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमें आयुर्वेदिकली इसके गुणधर्म पता नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में शायद कमेंट नहीं कर पाऊँगी। दूसरा चीज़, मतलब ये एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये लोकल भी नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, कैनोला ऑयल। अब ये कैनोला ऑयल जो है काफ़ी पॉपुलर है अगेन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है? तो कैनोला ऑयल इज कैनेडा ऑयल, ये ऑयल रेप सीड ऑयल होता है, जिसे लेबोरेटरी प्रोसेस में किया जाता है, उसमें कुछ एडिटिव्स डालते हैं जिससे ये हेल्दी हो जाए। तो ये एक्चुअली काफ़ी प्रोसेस्ड ऑयल है, इट्स एक्चुअली नॉट, टेक्निकली आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ हेल्दी इट इज़, इन फैक्ट यूरोप में तो ये बैन किया गया है, तो मैं तो ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। तो ये आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, और जब भी आप कोई ऑयल कुकिंग के लिए परचेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब फाइनली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो, विच ऑयल टू यूज़ ऑन अ डेली बेसिस। तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए जब आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं। एक तो है सीज़न, कौन से सीज़न में आप ऑयल खरीद रहे हैं कुकिंग के लिए, उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है। अगर आप समर या समर सीज़न में ले रहे हैं तो आपको कूलिंग प्रॉपर्टीज़ का ऑयल बेटर सूटेड है, अगर आप विंटर सीज़न में ऑयल कुकिंग के लिए ले रहे हैं तो हीटी प्रॉपर्टीज़ का वेल सूटेड है। फिर आता है रीजन, आप कौन से रीजन में रहते हैं। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा हीटी या वहाँ का जो लोकल ऑयल है वो यूज़ करना चाहिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, या इवन फॉर दैट मैटर जब हम, या घी में भी काफ़ी, देसी घी में भी काफ़ी वहाँ कुकिंग होता है। अगर आप महाराष्ट्र या फिर ये वेस्टर्न इस बेल्ट में रहते हैं तो आपको यहाँ शेंगदाना यानी कि पीनट ऑयल का काफ़ी पॉपुलर होता है। अगर आप साउथ में रह रहे हैं तो कोकोनट ऑयल बहुत सूटेड होता है। तो ये हमेशा अकॉर्डिंग टू रीजन एंड लोकल सराउंडिंग्स के हिसाब से आप चूज़ कीजिए। फिर आता है कि जो है कौन से सिलेक्शन टाइप हमारे, अगर इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है। अगर आपने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ली है या आपका प्रकृति कंसल्टेशन करवाया है, तो आप जानते हैं फिर कि आपकी प्रकृति क्या है, और उसके हिसाब से अगर आप ऑयल सिलेक्ट करेंगे तो वो भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा।
तो ये कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप ऑयल सिलेक्ट कर रहे हो, एंड आई एम श्योर कि आप सही चॉइस करेंगे. सही मात्रा में ऑयल लीजिए, और घी भी अगर आप ले रहे हैं तो एथिकली सोर्स्ड घी लीजिए, ताकि आप श्योर हो कि आपके घी में किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन नहीं है. तो ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. प्लीज स्टे हेल्दी एंड मेक आयुर्वेदा अ वे ऑफ लाइफ. नमस्ते.